बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, शाज़ फैन कॉर्नर में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज शाज़ किचन में बन रहा है कबाब कढ़ाई बनाऊंगी मैं। उसके साथ मैं आपको राइस की मैं आपको टिप भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपके नॉर्मल राइस भी आप बहुत अच्छे और खूबसूरत और टेस्टी बना सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने बीफ का कीमा ले लिया है तकरीबन आधा किलो, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको मैंने मशीन में। अच्छा, इसके साथ मेरे पास हरा मसाला है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना हरा धनिया है, और ये प्याज है, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये धनिया पाउडर है एक टेबल स्पून लाल मिर्च है, एक टेबल स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, और आधी टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। बाइंडिंग के लिए मैं एक अंडा इस्तेमाल करूँगी इसकी, तो इसको तो मैं पीस चुकी हूँ। अब मैं ये मसाले भी पीस कर फिर मैं आपके सामने इसको मिक्स करूँगी। कीमा मैंने पीस लिया था, चॉपर में चॉप कर लिया था, और इसको भी मैंने चॉप कर लिया, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें और प्याज इसको भी मैंने चॉप कर लिया। अब मैं कीमा इसमें ऐड कर देती हूँ, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक अंडा है, अंडा मैं डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, इससे अच्छी बाइंडिंग होती है। बाकी ये मसाले हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ सर। चलिए अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अपने हाथ की मदद से। ये मिक्स कर रही हूँ इसको मैं, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसके कबाब बना दूँगी। जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे बनाएं, मैं थोड़ा सा गोल शेप में बनाऊँगी, लंबे से, लेकिन आपको जैसे अच्छे लगे वो आप बना दीजिए। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें, तकरीबन एक टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। मैं ये शेप बना रही हूँ इसका। शैलो फ्राई होने के लिए ये भी मैं सारे फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसको इसकी ग्रेवी बना लूँगी। शैलो फ्राई कर लिए, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, पूरा फुल फ्राई नहीं करेंगे, ये बात फिर उसमें बन जाएगा। हो गए, इसी में मैं ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून। अब मैं इसी में मसाला पाव इसी में भून लूँगी। ये एक प्याज है जो मैंने छोटी छोटी काट ली है, उस पर इसको फ्राई कर दूँ। इसको पूरा फुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का से ये नरम हो जाए ना, फिर मैं इसे डाल दूँगी टमाटो पेस्ट। अच्छा, चावल के लिए मैं आपको बता रही थी टिप्स, तो चावल आप कोई भी हो, चावल को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगा दें, फिर से थोड़ा खत्म, ये तकरीबन 4 टमाटो का मैंने डाल दिया इसमें, चीज़ों के भी। अब मैं इसमें वही मसाले डालूंगी जो मैंने कबाब में डाले थे, धनिया और लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर है। अब इसमें अदरक लहसुन नहीं जाएगा, अदरक लहसुन बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये भुन रहा है, अच्छी तरीके से भुन जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कबाब। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, स्मूथी सी आ रही है, क्योंकि मैंने इसी में कबाब भी फ्राई कर लिए थे, तो उसकी जो खुशबू है कबाब की वो भी इसी में आ गई है, और बहुत अच्छा सा भी आ गया, और खुशबू जो आ रही है ना वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और मैं अंदर चावल की तरफ खा रही हूँ। ये चावल का पानी मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए, बॉईल कर लूँगी, उसके बाद इसमें चावल डालूँगी, नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये चावल देख लें, ये मैंने धो लिए, बिल्कुल साफ़ हैं,
जितने साफ सुथरे धुले हुए होंगे चावल उतने ही ज़्यादा अच्छे साफ सुथरे पकेंगे। गार्निंग सीन के लिए मैंने हरा धनिया रखा है, अदरक के अभी मैं एसेस कर दूँगी, हरी मिर्चें हैं ये मैंने चावल के लिए निकाली हैं। चावल में उबाल आ गया, मिर्च चावल किसी तरह का कोई गर्म मसाला या अदरक लहसुन वगैरह मैंने कुछ भी इसमें चावल में ऐड नहीं किया। मैं सिर्फ इसमें ये जब बॉयल हो जाएंगे इसका पानी फेंक दूँगी और हरी मिर्चें हैं बड़ी मेरे पास और ये कड़ी पत्ता है इसका मैं बघार लगाऊंगी ऊपर से। ठीक है, चावल का बघार मैं रखूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फिर मैं इसमें चावल में से ऑयल डालूंगी, जब मैं डिश आउट करूँगी तब मैं इसको ऊपर से रखूँगी। डाल दी है, ये ऑयल है इसका जिसमें बहुत अच्छी मज़ेदार से खुशबू आ रही है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा जर्दे का रंग डाल दूँगी तो ये बहुत अच्छे से खूबसूरत से बन जाएंगे चावल। जर्दे का रंग कबाब कढ़ाई का मसाला अच्छे से भुन गया है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया। अब मैं इसलिए कबाब बिछा दूंगी, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी। देखिए मसाला तैयार हो गया, मैं इसमें अब कबाब कर रही हूँ। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं चलाऊंगी क्योंकि फिर ये टूटने का खतरा रहता है। मसाला पूरा तैयार है, भुन चुका है, कबाब भी फ्राई है, बस एक दफ़ा मिक्स हो जाए ना इसके साथ। ये राइस हमारे रेडी हैं, देख लीजिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसमें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, उसके बाद इसकी गार्निशिंग करूँगी ऊपर से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी, कबाब कढ़ाई और साथ में राइस हैं। ये कहने को तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं लेकिन बहुत, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको तो कम अज़ कम मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपने नहीं किया होगा कभी तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसको भी कीजिएगा। तो और आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे पेज को लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स मुझे ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। और अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो उसको भी आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।